नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। ईरान में बीते लंबे समय से महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बीते महीने ईरान में महिलाओं को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद हिजाब पहनने का नया रूल लाया गया और इसके बाद अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर महिलाएं टाइट कपड़े पहनती हैं तो उन्हें 10 साल की सजा दी जाएगी। वैसे तो हर बार महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू होता था, लेकिन इस बार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी नियम लागू कर दिए गए हैं। ईरानी संसद ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के टाइट कपड़े पर बैन लगेगा और पुरुषों को भी नए ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसके साथ ही सख्त हिदायत देते हुए ये भी कहा गया है कि महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इस बिल को संसद में लगभग सभी सांसदों का समर्थन है। ईरान की संसद से पारित किए जाने के बाद बिल को गार्डियन काउंसिल द्वारा पास किया जाएगा, जो कि मौलवियों और लीगल एक्सपर्ट का एक समूह है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। संसद में इस बिल के समर्थन में 152 वोट पड़े हैं तो विपक्ष में 34 वोट पड़े। इसके अलावा 7 सांसदों ने वोट नहीं किया। ये विधेयक ऐसे समय में आया है जब महमा अमीनी की मौत की बरसी पर महिलाओं की नाराजगी सामने आई है। बता दें, ये महसा अमीनी वही है जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। पिछले महीनों लंबे प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने हेडस्कार्फ जलाए, अपने बाल काटे, वेस्टर्न ड्रेस में सड़कों पर देखी गई। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद से वहां महिलाएं बिना हिजाब के नजर आ रही हैं और इसलिए ईरान की सरकार ड्रेस कोड लेकर आई है। इस नए ड्रेस कोड वाले कानून में 10 साल की सजा के साथ 5,000 से 50,000 की ईरानी रियाल या रुपए में कहें तो 9 रुपए से 984 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 180 से 380 मिलियन या 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। खबर यहीं तक थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।